हेलो एवरीवन वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी 4 जुलाई 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहली जो हेडलाइन है हमारी कि फ़्रांस में राफेल की जांच पर देश में सियासी गर्मी आपको पता होगा कि राफेल विमान जो छत्तीस थर्टी राफेल विमान खरीदे गए हैं वो फ्रांस से खरीदे गए हैं और इसकी जो खरीद है उस वो अब फ्रांस में जाँच के दायरे में आ गई है क्योंकि वहाँ की एक एन ने इसकी खरीद में भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया है उसी के तहत अब भारत में भी सियासी गर्मी तेज हो गई है और अब ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं नियमित जांच की आवश्यकता है तो सबसे पहले हमें राफेल विमान के बारे में पता होना चाहिए कि राफेल विमान क्या है देखिए राफेल का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है कि अधिक आग की भावना एक राफेल की कीमत लगभग नब्बे मिलियन यूरो यानी करीब छः करोड़ रुपये पहले थी और अब सोलह सो करोड़ रुपये हो गई थी राफेल लड़ाकू विमान का कॉर्बेट रेडियस सैंतीस सौ किलोमीटर है साथ ही ये दो इंजन वाला विमान है जिसको भारतीय वायुसेना को कई काफ़ी लंबे समय से दरकार थी राफेल में तीन तरह की मिसाइल लगाई जा सकती हैं पहला है हवा में हवा से हवा में मार करने वाली मिटियोर मिसाइल दूसरा है हवा से जमीन में मार करने वाली स्कैल्प मिसाइल और तीसरा है हैमर मिसाइल इसकी मारक क्षमता सैंतीस सौ किलोमीटर है राफेल लड़ाकू विमान सौदे में भ्रष्टाचार को लेकर फ्रांस में जांच बिठाए जाने पर भारत में सियासी गर्मी बढ़ गई है कांग्रेस ने सौदे में भ्रष्टाचार की आशंका जताते हुए संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी से जांच की मांग दोहराई है साथ ही आगामी संसद सत्र में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने के संकेत भी दिए गए हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट और सीएजी ने ऐसे इस सौदे को क्लीन चिट मिलने के बावजूद राहुल गांधी लगातार झूठ बोलकर इसे विवाद में घसीटने की कोशिश करते रहे हैं छत्तीस अत्याधुनिक राफेल विमानों का यह सौदा उनसठ करोड़ रुपए में हुआ था फ्रांस में एक एनजीओ की शिकायत पर जांच बैठाई गई है नेक्स्ट न्यूज है धामी होंगे उत्तराखंड के ग्यारहवें मुख्यमंत्री खटीमा यानी कि उधम सिंह नगर से विधायक पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के ग्यारहवें मुख्यमंत्री होंगे शनिवार को यहां पार्टी विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुना गया इसके बाद उन्होंने राजभवन जाकर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से भेंट की और उन्हें सरकार बनाने संबंधी

कि राष्ट्रीय महामंत्री डी पुरंदर पुरंदेश्वरी राष्ट्रीय महामंत्री व उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम के साथ शनिवार सुबह सब देहरादून पहुंचे थे नेक्स्ट न्यूज है कि कोरोना वायरस के खिलाफ कोवैक्सीन सतहत्तर दशमलव आठ प्रतिशत कारगर कोरोना वायरस के खिलाफ देसी वैक्सीन कोवैक्सीन को सतहत्तर दशमलव आठ फीसदी कारगर पाया गया है भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के तीसरे चरण के क्लिनिकल क्लिनिकल ट्रायल यानी परीक्षण के नतीजे शनिवार को जारी कर दिए इसमें कहा गया कि यह वैक्सीन खतरनाक डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ पैंसठ दशमलव दो फीसदी कारगर है कंपनी की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि उसने तीसरे चरण के परीक्षण का अंतिम विश्लेषण कर लिया है इसमें कोवैक्सीन कोरोना के गंभीर लक्षणों वाले मामले में तिरानवे दशमलव चार फीसदी प्रभावी है वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है इसको लेने के बाद फ्लेस फ्लेसोबो की तरह सामान्य प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिले हैं परीक्षण में शामिल 12 प्रतिशत लोगों में प्रतिकूल प्रभाव के सामान्य लक्षण देखने को मिले हैं जबकि दशमलव पाँच फीसदी से भी कम में गंभीर प्रतिकूल प्रभाव नजर आए हैं डब्ल्यू से मान्यता मिलने में नतीजे होंगे मददगार टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी समूह के प्रमुख डॉक्टर एन के अरोड़ा ने कहा कि कोवैक्सीन के तीसरे चरण के नतीजे से इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन की इमरजेंसी इस्तेमाल वाली वैक्सीन की सूची में शामिल करने में मदद मिलेगी डब्ल्यूएचओ से मान्यता मिलने के बाद कोवैक्सीन लेने वाले भारतीय बिना किसी रोक टोक के किसी भी देश आ जा सकेंगे नेक्स्ट न्यूज है कि केंद्रीय स्तर पर अनिवार्य हो दो बच्चों की नीति जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में कुछ राज्यों में हो रहे प्रयास के बीच यह मांग तेज हो गई है कि केंद्र को ही दो बच्चों की नीति लानी चाहिए जो राष्ट्रीय स्तर पर लागू हो प्रभावी जनसंख्या नियंत्रण के बगैर सभी के लिए शुद्ध हवा शुद्ध जल शिक्षा जीवन यापन का अधिकार नहीं सुनिश्चित किया जा सकता याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि जनसंख्या नियंत्रण सीमावर्ती सूची में है इसलिए केंद्र को अहम कदम उठाना चाहिए जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग करने वाले याचिकाकर्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में सरकार के जवाब में दाखिल ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 102 नंबर पर है आत्महत्या में तिरालीस साक्षरता में एक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में एक नंबर पर है अधिक बच्चों को जन्म देने और बार बार गर्भ धारण करने का महिलाओं के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है देखिए वैश्विक भूखमरी सूचकांक इसे हिंदी में कहते हैं भूखमरी की समीक्षा करने वाली ये वार्षिक रिपोर्ट है जो वैश्विक क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप से भूखमरी की स्थिति का मानक तय करती है आयरलैंड स्थित एक एजेंसी कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी के एक संगठन वेल्ट हंगर हेल्फ़े द्वारा संयुक्त रूप से ग्लोबल हंगर इंडेक्स तैयार और प्रकाशित किया जाता है प्रतिउत्तर में मांग की गई कि कोर्ट केंद्र सरकार को निर्देश दे वह नागरिकों के शुद्ध हवा शुद्ध जल भोजन स्वास्थ्य शिक्षा जीवन यापन के मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कड़े और प्रभावी नियम कानून व दिशा निर्देश तैयार करें केंद्र सरकार को निर्देश दिए जाएं कि वह सरकारी नौकरी मदद सब्सिडी मतदान चुनाव खड़े होने के अधिकार और मुफ्त आश्रय के अधिकार पाने के लिए दो बच्चों की नीति अनिवार्य किए जाने की संभावनाओं पर विचार करें। नेक्स्ट न्यूज है नेक्स्ट न्यूज है ढीले पड़ गए ट्विटर के तेवर नियुक्त करेंगे करेगा शिकायत निवारण अधिकारी दुनिया भर में अपने पक्षपाती और मनमाने रवैये को लेकर आलोचना झेल रहे इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने भारत के कानून के सामने घुटने टेक दिए हैं ट्विटर ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि वह भारतीय कानूनों का पालन करने करते हुए शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त कर रहा है इसके लिए किसी भारतीय नागरिक की स्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है फिलहाल एक अंतरिम अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है गौरतलब है कि नए आईटी नियमों को नहीं मानने के चलते ट्विटर के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी हाई कोर्ट से जारी नोटिस के जवाब में ट्विटर के ट्विटर ने शपथ पत्र दायर किया है मालूम हो कि नए आईटी नियमों की अधिसूचना 25 फरवरी को जारी हुई थी और ट्विटर सहित अन्य इंटरनेट मीडिया कंपनियों को नए नियम पच्चीस मई तक लागू करने थे लेकिन ट्विटर इसमें लगातार आनाकानी कर रहा है सामने आया सेना का कल है सीडीएस के रुख से वायुसेना प्रमुख असहमत अब ये मामला क्या है एकीकृत थिएटर कमांड के निर्माण को लेकर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत के विचारों से एयर चीफ मार्शल आर के एस भदौरिया पूरी तरह सहमत नहीं है वायुसेना प्रमुख ने स्पष्ट किया कि वायुसेना थिएटर कमांड के निर्माण के समर्थन में है लेकिन इसे सही तरीके से किया जाना चाहिए भदौरिया ने सीडीएस की उस टिप्पणी से भी असहमति जताई है जिसमें भारतीय वायुसेना की तुलना सेना के लड़ाकू सहायक हथियारों जैसे इंजीनियर्स और, और से की गई है उल्लेखनीय है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ चार थिएटर कमांड बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं इनमें से तीन का नेतृत्व तो सेना के अधिकारी और एक का नेतृत्व तो नौसेना का अधिकारी करेगा सभी थिएटर कमांड उन प्रस्तावों के अनुसार सीडीएस को रिपोर्ट करेंगे जिन्हें अभी रक्षा मंत्री और सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना है सेना और वायुसेना के बीच ये मतभेद ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल द्वारा शुक्रवार को आयोजित एक सेमिनार के दौरान सामने आए जहां सी डी एस रावत ने कहा कि वायुसेना को जमीनी बलों को सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है उन्होंने यह कहा कि मत भूलिए कि वायुसेना सशस्त्र बलों के लिए एक सहायक शाखा बनी हुई है जिस तरह तोपखाने और इंजीनियरिंग सेवा की मदद करते हैं सी के बाद एयर चीफ मार्शल भदौरिया ने स्पष्ट किया कि वायुसेना केवल एक सहायक शाखा नहीं है हवाई अभियान की योजना बनाने के कई पहलू होते हैं नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं नेक्स्ट न्यूज है बिजनेस पेज से इसमें लिया गया है कि बी साइट पर हॉल मार्किंग के कई पहलू अस्पष्ट आपको पता होगा कि हॉल मार्किंग अब अनिवार्य कर दिया गया था और इसमें कई बदलाव किए गए थे लेकिन बी की वेबसाइट पर इसका स्पष्टीकरण न होने की वजह से कई दिक्कतें सामने आ रही हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बी क्या है बी मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड भारतीय मानक ब्यूरो भारतीय मानक ब्यूरो में राष्ट्रीय मानक निर्धारित करने वाली संस्था है यह उपभोक्ता मामलों खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन कार्य करती है पहले इसका नाम भारतीय मानक संस्था उन्नीस स्थापना सैतालीस में की थी। 1986 के के एक अधिनियम के माध्यम अप्रैल उन्नीस अप्रैल सतासी को अस्तित्व मानक ब्यूरो भारतीय मानक ब्यूरो की वेबसाइट पर स्वर्ण आभूषणों व कलाकृतियों की अनिवार्य हॉलमार्किंग को लेकर कई पहलू स्पष्ट नहीं किए गए हैं ऑल इंडियन जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल ने कहा है कि वेबसाइट पर प्रकाशित एफ ए क्यू यानी बार बार पूछे जाने वाले सवाल से हॉलमार्किंग के उन प्रमुख बिंदुओं के बारे में पता नहीं चलता है जिन पर रत्न व आभूषण उद्योग तथा सरकार के बीच विमार, विचार विमर्श हुआ है जी सी ने इस बारे में उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर कहा है कि बी ने अपनी वेबसाइट पर जो एफ ए क्यू जारी किया है उसमें काफी अस्पष्टता है इसमें इससे सराफा कारोबारियों में असमंजस है संगठन ने अपने पत्र में कहा है कि 15 जून को अंशधारकों तथा सरकार के बीच हुई बैठक में विचार विमर्श से जो बिंदु सामने आए थे उनमें से बहुत से बिंदु वेबसाइट और एफ में शामिल नहीं है नेक्स्ट है कि ग्रीन एनर्जी से सरकार को दो वर्षों में होगी एक लाख करोड़ रुपए की बचत अब ये ग्रीन एनर्जी क्या है ग्रीन एनर्जी के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं कि हरित ऊर्जा ऐसा स्थायी स्रोत है जो पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य दोनों के लिए अत्यधिक हानिकारक नहीं है वास्तव में हरित ऊर्जा प्राकृतिक अक्षय ऊर्जा स्रोत है जैसे सूर्य पवन ऊर्जा भूगर्भ और पादपों से उत्पन्न की जाती है ऐसे में सभी लोग ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत खोजने में जुट गए हैं तो इसमें सरकार को कैसे होगी एक लाख करोड़ रुपए की बचत ये जानते हैं यातायात से जुड़े वाहनों में पेट्रोल डीजल की जगह ग्रीन एनर्जी के इस्तेमाल से अगले दो वर्षों में आयात बिल में एक लाख करोड़ की बचत होगी वही देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी पेट्रोलियम मंत्रालय के प्रयास से इस योजना को अंजाम दिया जा रहा है पेट्रोलियम सचिव तरुण कपूर ने बताया कि बायोडीजल हाइड्रोजन कंप्रेस्ड बायो गैस यानी कि सी जैसी कई ग्रीन एनर्जी के इस्तेमाल को बढ़ाने पर काम चल रहा है लेकिन अगले दो वर्षों में मुख्य रूप से सीबीजी और एथेनॉल का इस्तेमाल बढ़ने से आयात बिल में एक लाख करोड़ रुपए तक की बचत हो सकती है कपूर ने बताया कि वर्ष 2025 तक गाड़ियों के में इस्तेमाल होने वाले ईंधन में 20 फीसदी एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा गया है लेकिन यह लक्ष्य अगले दो वर्षों में हासिल किया जा सकता है सरकार की योजना के अनुसार 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित फ्यूल के लिए सालाना 1000 करोड़ लीटर एथेनॉल तैयार करना होगा जिससे कच्चे तेल के आयात में कमी होगी और आयात बिल में पचास हजार करोड़ रुपए की बचत भी होगी नेक्स्ट पेज पर आते हैं नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज एडिटोरियल पेज में जो पहला आर्टिकल है हमारा वो है बड़ी चुनौती बनता चीन और यह आर्टिकल लिखा है दैनिक जागरण के चीफ एडिटर संजय गुप्त ने इन्होंने ये इसमें चीन के बारे में बताया है कि चीन किस तरीके से चीन का जो आज डब्ल्यू में यानी कि विश्व बाजार में हिस्सा है वो उन्नीस यानी उसकी आज़ादी के बाद आप कह सकते हैं कि दो प्रतिशत था लेकिन अब वो लगभग पचास प्रति तीस प्रतिशत को क्रॉस कर गया है और पचास प्रतिशत की तरफ बढ़ रहा है और ये इसने सिर्फ़ और सिर्फ पचास वर्षों के तहत ही किया है तो इसमें उसने क्या योजना बनाई किस तरीके से उसको लागू किया ये सब बातें इस आर्टिकल में बताई गई हैं तो चलिए आर्टिकल स्टार्ट करते हैं चीन पर राज करने वाली चीनी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपी ए, सीसीपी की स्थापना के सौ वर्ष पूरे होने पर चीनी राष्ट्रपति सी जिनपिंग ने धेन आनमन चौक से अपना जो भाषण दिया उससे न केवल चीन की विस्तारवादी सोच झलकती है बल्कि उसके दम्भ के कारण विश्व के सामने आने वाली चुनौतियों की भी झलक मिलती है मौत से ने जब सोवियत संघ से प्रेरित होकर 1 जुलाई 1921 को सीसीपी की नींव रखी थी तब उसका मकसद चीन को गरीबी से बाहर निकालकर देश को एक उस मुकाम पर पहुंचाना था जहां वह तीन चार सौ वर्ष पहले था एक समय भारत और चीन विश्व व्यापार में अपना आधिपत्य रखते थे लेकिन समय के साथ दोनों पिछड़ गए उनकी गिनती गरीब देशों में होने लगी कभी विश्व व्यापार में चीन की 30 प्रतिशत हिस्सेदारी थी जो 1941 में आधा प्रतिशत पर आ गई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक समीकरण कुछ ऐसे रहे कि चीनी नेताओं को अमीर देश के सामने अपमानित होना पड़ा इस अपमान से विचलित हुए बगैर चीनी नेता अपने देश को आगे ले जाने का स्वरूप बनाने में जुटे रहे चीन ने पिछले तीन दशकों में अपनी आर्थिक तरक्की के बल पर करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर विश्व के पूरे व्यापार पर करीब 20 प्रतिशत की हिस्सेदारी कायम कर ली है ऐसी उपलब्धि की मिसाल मिलना कठिन है 50 वर्षों में 2 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक व्यापार में अपनी हिस्सेदारी कर लेना किसी चमत्कार से कम नहीं है इस चमत्कार के पीछे चीनी नेताओं की दूरदर्शिता और प्रतिबद्धता रही है 1970 के आसपास चीन ने अपने कारखानों को सरकारी मदद से खड़ा किया आज भी उसके अधिकांश कारखाने सरकार की मदद से ही चलते हैं वैसे तो यह भारत की तरह के सार्वजनिक उपक्रम है पर उत्पादकता के मामले में चीन के कारखानों का कोई सानी नहीं है भारत में चाहे सरकारी मदद से चलते कारखानों हो या प्राइवेट सेक्टर के वे उत्पादकता के मामले में चीन के सामने कहीं पर भी नहीं ठहरते हैं इसी कारण जिस समय विकसित देश अपने उद्योगों की आउटसोर्सिंग कर रहे थे उस वक्त उन्होंने चीन को पसंद किया और भारत हाथ मलता रह गया चीन की तरक्की का कारण यह भी है कि उसने अपनी योजनाओं को अमल में लाने के लिए किसी तरह की बाधा का सामना नहीं करना पड़ता है सबसे बड़ी बात यह है कि नेताओं ने चीन के विकास का जो सपना देखा था उसे ही उनके उत्तराधिकारियों ने देखा और उसे साकार करने में जुटे रहे इसमें विपरीत भारत के नेताओं ने देश के विकास का कोई साझा सपना नहीं देखा यहाँ हर सरकार अपनी तरह से देश का विकास करना चाहती रही इसमें कोई दो राय नहीं है कि चीन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की दृष्टि में एक गैर जिम्मेदार राष्ट्र है मान वह मानवाधिकारों को कई महत्व तो नहीं देता पड़ोसी राष्ट्रों को धमकाता रहा है लेकिन इन सब के बाद भी उसने अपने लोगों को गरीबी के दुष्चक्र से निकालने में सफलता पाई है जहां भारत अपनी तमाम जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है वहीं चीन अपनी ज़रूरत का हर सामान खुद बनाता है इतना ही नहीं वह दुनिया का कारखाना बना हुआ है डिजिटल तकनीक के मामले में तो वह अमेरिका से भी आगे निकलता दिखाई दे रहा है इस समय चीन वस्तुओं की गुणवत्ता घटिया हो एक समय चीन की वस्तुओं की गुणवत्ता जो है वो घटिया होती थी लेकिन धीरे धीरे वह गुणवत्ता प्रधान वस्तुओं का निर्माण करने में सक्षम हो रहा है उसके विश्वविद्यालय भी विश्व स्तरीय बनते जा रहे हैं शोध तकनीक के संस्था भी वह कई मामलों में अमेरिका के समकक्ष खड़ा नज़र आ रहा है उसकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की धाक बढ़ती जा रही है विश्व में शायद ही कोई देश हो जो व्यापार में चीन का प्रमुख सहयोगी ना हो अब इस आर्टिकल में हमें पढ़ने को मिला डब्ल्यू टी ओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन अब ये विश्व व्यापार संगठन क्या है देखिए वैश्विक व्यापार और वैश्वीकरण की शुरुआत करने वाले संगठन का नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यह संगठन विश्व व्यापार के लिए दिशा निर्देश को जारी करता है संगठन अपने आप कह सकते हैं सदस्य देशों को जरूरत के अनुसार ऋण उपलब्ध कराता है इसकी स्थापना हुई थी आप कह सकते हैं उन्नीस में और मॉडिफाई हुआ था क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी उन्नीस में उन्नीस में जी ए टी टी गैट करके इसकी स्थापना हुई थी इसका फुल फॉर्म था द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड फिर से सुन लीजिए द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ टैरिफ एंड ट्रेड और फिर इसे मॉडिफाई किया गया उन्नीस में मराकेश संधि के तहत यानी कि मराकेश समझौते के तहत इसे डब्ल्यू का नाम दिया गया नेक्स्ट आर्टिकल है शर्म की मुलाकात ईमानदारी से ये एक हास्य व्यंग वाला आर्टिकल है इसे डिस्कस नहीं करेंगे फिर उत्तराखंड में फिर बदलाव हम पहले ही पेज पर नए मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ है सितंबर से पहले अफगानिस्तान छोड़ना संभव नहीं ये स्टेटमेंट दिया है जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से सेना की वापसी को लेकर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका और नाटो देशों की सेना अफगानिस्तान को कुछ दिनों में नहीं छोड़ने जा रही है उनका कहना है कि चाहे जितना भी तेज़ी कर ले सितंबर से पहले पूरी वापसी संभव नहीं है अमेरिकी राष्ट्रपति से व्हाइट हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान पूछा गया कि क्या अमेरिका अगले कुछ दिनों में अफगानिस्तान से सेना को वापसी कि प्रक्रिया को पूरा करेगा बाइडन ने कहा कि नहीं हमारी सेना की वापसी अभी कुछ दिनों में नहीं होने जा रही है हम सही रास्ते पर चल रहे हैं जैसा हम उम्मीद करते हैं सितंबर से पहले हम किसी भी रूप में पूरी तरह से वापस नहीं आ पाएंगे तो ये आज का यानी चार जुलाई 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद